गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं वंदना और आप देख रहे हो ब्यूटी इन सिंप्लिसिटी। चारों तरफ झाड़ू लगा रहा है तो आपको झाड़ू लगाने का आवाज़ आ रहा होगा। धूल भी उड़ रहा है, ये पार्क में झाड़ू लगा रहा है। और एक राउंड कपड़े धुल गया, एक राउंड फिर से लगा दिया। ये देखो, एक राउंड तो धुल गया, सूखने दिया। ये देखो, एक राउंड फिर से लगा दिया। तो दोस्तों यही होता है ना, अगर पानी नहीं आए एक दिन तो दो दिन का कपड़े रह जाता है ढेर सारे, और ऐसे ही दो दो राउंड लगाना पड़ता है। उसके बाद अभी तो दो दिन हो गया, ये जितने भी देख रहे हो चेयर के ऊपर बेड सेट वो सब उठा के रखी हूँ, वो अभी धुला नहीं, धोया ही नहीं, तो उसको भी लगाना है। वो तो हॉट वॉश में जाएगा, तो वो सोच रही हूँ कल लगा दूँगी मैं, जैसे भी हो सुबह उठ के पहले वो लगा दूँगी, फिर कल का जो रेगुलर कपड़े है वो धोऊँगी। क्योंकि डेली का कपड़े तो डेली धोते हैं ना, इसीलिए हम लोग डेली का कपड़े डेली धोते हैं, क्योंकि वो पहन नहीं सकते एक दिन का कपड़े दूसरे दिन, मतलब ऐसे ही पानी में धो के पहन नहीं सकते। थोड़ा सा साबुन से डेली मशीन चलता है मेरा, और डेली का कपड़े डेली धोता है। तो दोस्तों यही है बात। तो अभी रिया तो ब्रेकफास्ट कर रही है, आदित्य करते करते पता नहीं किससे बात कर रहा है, तो उसको बोला है पहले ब्रेकफास्ट कर ले फिर बात करना। और मैंने सियार पार्क से जो थोड़ लाया था, थोड़ मतलब केले का स्टेम, केले का पेड़ का जो बीच का हिस्सा होता है ना स्टेम, वो लाया था, तो आज वो बनाएंगे। और दाल उल बना हुआ है और कुछ एक फ्राई कर देंगे, ऑमलेट लो का हो जाएगा। किसी का रखा हुआ है क्या? बादाम रिया ने खाया सुबह, और क्या कौन खाया पता नहीं, ये बादाम लेके झगड़ा होता है। मैंने तो खा लिया, रिया ने सुबह ही खा लिया, मैंने पूछा था। उसके बाद डेली का ये है, सुबह ही पूछा था, उसके बाद पापा खा के गया। ये रिया टूस का ही है। आज बनाएंगे ये थोड़, ये क्या हो गया, खराब हो गया क्या? ये देखो कैसे हो गया, ऊपर का हिस्सा निकाल के देखते हैं ना, अंदर ठीक ही है, ऊपर का शायद पानी वानी था। देखो ये देखो, ऊपर का हिस्सा ऐसा हो गया। तो ये भी ठीक ही है, यहाँ पे थोड़ा सा काला काला हो गया, ये स्किन निकाल लेंगे इसका तो ठीक हो जाएगा, ऐसे ठीक ही है। और लाइट नहीं था तो एकदम शांत, कहीं भी वेल्डिंग का आवाज नहीं था, वो जो चलता है कर करके मशीन वशीन वो सब का आवाज नहीं था, एकदम साफ शांत था। और इससे भी खिटखिट का आवाज़ था, वो तो है साथ में, वो भी चल रहा है वेल्डिंग वेल्डिंग के सीधी सी जाएगा, और आपस शुरू हो गया आवाज़। और ये देखो रिया रानी, इसको तो कुछ भी मतलब, रिया रानी मतलब कोई, रिया रानी नहीं है, प्रिंसेस है, रानी क्यों होगा। जब ये इनको तो ठंड भी नहीं लगता, हमें ठंड लगता है, इनको ठंड नहीं लगता, खून गर्म है भाई। चलो ये काट लेते हैं, और आज थोड़ का छेचकी बनाएंगे, मतलब थोड़ का एक रेसिपी बनाएंगे। देखो अंदर के तरफ से अच्छा है, ये बाहर रखा हुआ था ना, संडे से रखा हुआ था तो बाहर के तरफ ये कैसा हो गया, बट अंदर के तरफ ये ठीक है एकदम। तो इस साइड में थोड़ा ज़्यादा ही खराब हो गया, बस देखो इतना फेंकना पड़ा, इतना मिला। तो इसको काट लेते हैं, इसका स्किन निकाल के, और स्किन तो निकाला हुआ ही है, बट यहाँ पे जो ऐसे काला काला है ना, इसे निकाल लेंगे, इसे निकाल के फिर काट लेंगे। और दोस्तों कल के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर किया था ना, एक सिल्क का कुर्ती लिया फैब इंडिया से, तो दिखाती हूँ आपको, ये
ये वाला कल मैंने आपके साथ शेयर किया इसका पिक्चर भी, और तो ये वाला सिल्क का कुर्ता भी फ्री का है। तो मैं वही एक ही प्रोसेस है मेरा, फ्री में अच्छे अच्छे कपड़े हो या कुछ लेने का एक ही प्रोसेस है जो मैं फॉलो करती हूँ। पहले भी आपको आपके साथ शेयर किया कि क्रेडिट कार्ड के यूज़ करके उसका जो रिडीम पॉइंट आता है उससे खरीद। तो इस बार तो एक मेरा ले लिया, एक घड़िया का तो पहले ही दिखाया था आपको, इसी टाइप का सी ग्रीन कलर का उसका है कुर्ती, उसका शॉर्ट कुर्ती था और मेरा लॉन्ग में है, काफ़ी सुंदर है, फिटिंग्स भी काफ़ी अच्छा है, तो पहन के भी अच्छा लग रहा था। तो मैं तो ऐसे ही खरीदती हूँ। और पता है कल क्या हुआ, कल जब मैं बिलिंग करवा रही थी तो मेरे का कुछ फैब इंडिया का कुछ पॉइंट्स था, तो मैंने उनको बोला देखिए मेरा फैब इंडिया इसका कुछ पॉइंट्स है, आप उसे रिडीम कर देंगे कर दीजिए। तो उन्होंने मेरा वो जैसे खोलते हैं ना मेरा अकाउंट फ़ोन नंबर से, तो खोल के बोला हाँ आपके पास 600 है, 600 पॉइंट्स मतलब 600 रुपीज़। तो मैंने बोला वो रिडीम कर दीजिए, तो कर दिया। उसके बाद बाकी का पेमेंट हाँ, फिर मैंने ये जो कूपन था मेरा जो क्रेडिट कार्ड से रिडीम करके जो पॉइंट्स मिला था, जो पैसे मिला था कूपन में, मैंने वो दिया। देने के बाद वो भी उन्होंने फीड किया नहीं अपने कंप्यूटर में, उसके बाद मेरे तरफ देख रहे हैं। तो मैंने बोला नहीं, बाकी जो बैलेंस है, बाकी 500 रुपये या 600 रुपये बैलेंस था, तो मुझे मेरे पास देख रहा है, मैंने बोला और नहीं कूपन है, इतना ही बस जो है उसको मैं कार्ड से पेमेंट करूँगी। तो जो था ना कैशियर, वो अकाउंट से में जो बैठे हुआ था जो पैसे ले रहे थे, तो हंस रहे थे, उन्होंने और नहीं है बस यही इतना ही कूपन है, इसको सारे को रिडीम कीजिए। अच्छा है ना तरीका, मैं ऐसा करती हूँ। मेरे हस्बैंड आके बोला, क्योंकि मैं जब कुछ खरीदती हूँ उनके पास ही जाता है तो उसको पता ही चलता है कितना पैसा खर्चा हो जाए, अरे तुमने वो कपड़े खरीदा इतना कम पैसे में फैब इंडिया में। हाँ तो मैंने बोला ये बात है भाई, मैंने ये किया तो और कुछ नहीं बोला, ना हस्बैंड के ऊपर बोझ बढ़ा ना मेरे ऊपर। और फ्री का शॉपिंग करने में ना इतना मज़ा आता है ना, क्या बताऊँ आपको, जब कुछ पैसा नहीं देना पड़ता बहुत मज़ा आता है। चलो दोस्तों, ये मैंने पहले खाना वाना बना लेती हूँ फिर फ्री का शॉपिंग दिखाऊंगी आपको, आप भी सोचोगे किससे पला पड़ा यार। चलो रिया देखो खाना वाना खा लिया, दूध देखो ये दोनों का दूध ही नहीं पिया, ये लो एकदम ठंडा करके दूध पिएगी रिया, नहीं समझ में नहीं आता दूध भूते थोड़ बे ठंडा दूध के ले, उसके पापा बोलते हैं भूत पकड़ेगा अगर ठंडा दूध पियोगे तो, इसके पापा बोलते हैं अरे भूत पकड़ेगा और ठंडा दूध पियोगे तो। कौन? पापा आ गया, खोल कोई भी आ सकता है, अभी चप्पल पहननी है वो भी मेरा, तेरा नहीं है आज लेट क्यों हुआ? लेट क्यों हुआ? 8 बज रहा है, ये देखो 10 मिनट बाकी है। टैक्सी का टेंडर था ना, पर्दा दे दे बेटा। शुरू हुआ
आपने मेरे फोन में पैसा भी नहीं भरा, पैसा भरना कहां में लिखते लिखते इसको पैसे भी करना था। ये देखो क्या फोन 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 छोड़ दे फोन। हां मम्मी कह रही थी फोन करने के लिए, तू भी कह रही थी अभी हां कर रही थी, तो आ रही। तो मैंने तुझे बोला पापा को पूछ फोन करके लेट क्यों हो रहा है, तो मुझे बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, फोन पे पैसे नहीं है, और भी दो ऐसे वो है, लैंडलाइन है, एक वो लैंडलाइन है, दो दो लैंडलाइन। तेरे को पापा का फोन नंबर नहीं पता? नहीं, नहीं। तो उसके मोबाइल से ही करना है। यस यस। क्या है? मेरे हस्बैंड ने भी आज बहुत लेट कर दिया, ऐसे 8 बजे आया है। नॉर्मली वो 7:30 बजे तक आ जाते हैं, तो आज 8 बजे आए हैं, तो उन्होंने भी लेट कर दिया। और मेरा भी पूरा दिन, आज का दिन बहुत ख़राब गया, पूरा दिन कुछ नहीं हुआ। रिया को बोला था शाम को कि मेरे साथ चल, कुछ काम था बाहर, गई नहीं उसने। देखे सुन रहे हो ना, गई नहीं, चल थोड़ा सा काम है, गई नहीं, नहीं जाऊंगी। नहीं मैंने बोला चल थोड़ा सा नर्सरी से घूम के आ जाएंगे, कुछ खरीदेंगे नहीं, सिर्फ देख के आ जाएंगे। दो चार, उससे ज्यादा लाएंगे नहीं, अगर ज्यादा से ज्यादा पसंद हो तो 2-4 मैक्सिमम 5 लाएंगे, जो पिटूनिया ड्रेनेसन फ्लावर होता है, बाकी नहीं लाएंगे, कुछ नहीं। तो उसने बोला कि नहीं मैं नहीं जाना, मुझे नहीं जाना आपके साथ नरिया, मुझे नहीं जाना आपके साथ, आप 4 बोल के जाते हो और 10 खरीद के लाते हो, ऐसे मेरे ऊपर इल्जाम देता है आजकल। देखो मैं बोला था उसे चल देख के चले आऊंगी, कुछ नहीं खरीदेंगी, सिर्फ देखने में किया जाता, अच्छा लगता है ना नर्सरी में जाके, इतना कलरफुल पौधे, इतना फ्लावर्स, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बोल रहा है कोई अच्छा नहीं लगता। अभी रात के 9 बजे हैं। तो दोस्तों आज पूरे दिन मैंने वीडियो शूट नहीं कर पाई, मतलब किया था लेकिन उसका साउंड इतना ज़्यादा नॉइजी है, क्योंकि चारों तरफ काम चल रहा है और बहुत ज़्यादा उसका मशीन चलता है ना, वेल्डिंग मशीन, तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा था। तो मेरा मैं फुटेज जब देख रही थी, चेक कर रही थी क्लिप, वीडियो क्लिप, तो देखा पूरे में कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, इतना ज़्यादा नॉइज़ है। तो वो सब क्लिप मैंने हटा दिया है, तो मेरा वीडियो थोड़ा सा ही है आज का, क्योंकि ये इतना नॉइज़ में ना वीडियो शूट नहीं हुआ, नहीं वीडियो कर नहीं पाई। तो दोस्तों आज का ब्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।